चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को मेज़र करना। टेम्परेचर को मेज़र करने का मतलब होता है टेम्परेचर को नापना। ओके, तो बच्चों टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है। कोई कोई टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करता है, कोई टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करता है, कोई टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करता है। तो ये अलग अलग स्केल है, जैसे मतलब जैसे अलग अलग स्केल, स्केल समझते हो, पैमाना। स्केल का मतलब होता है जैसे कोई कोई मान लो वेट, कोई भी जैसे कुछ लोग चावल को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, लेंथ की बात करता हूँ, तो कुछ लोग लेंथ को, कोई लंबाई उसको फुट में मेज़र करते हैं, कोई लोग मीटर में मेज़र करते हैं, कुछ लोग यार्ड में करते हैं। ऐसे ही टेम्परेचर को मेज़र करने के डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स हैं। वो क्या लिखा है, डिफरेंट यूनिट्स कैन बी यूज टू मेज़र द टेम्परेचर इन द डिफरेंट स्केल। अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके ओके, डिफरेंट यूनिट्स कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर एंड डिफरेंट स्केल्स। मोस्ट नोन यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। जो सबसे ज़्यादा नोन यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेज़र करने की, उस वो जो सबसे ज़्यादा वेल नोन यूनिट कौन कौन सी हैं, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट उतनी ज़्यादा वर्स नहीं है, उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है, उतनी ज़्यादा चलन में नहीं है। ओके सबसे ज़्यादा केल्विन होती है और डिग्री सेल्सियस होती है। सबसे ज़्यादा जो यूजेबल है वो केल्विन है और डिग्री सेल्सियस है। ओके अब चलिए देखिए, व्हाट इज़ केल्विन। तो बच्चों पहला टॉपिक आ रहा है केल्विन, कि केल्विन क्या होता है। केल्विन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब क्या है, केल्विन जो है टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। ओके इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के। तो बच्चों कॉपी में लिख सकते हैं आप लोग कि केल्विन का सिंबल कैपिटल के होता है। ओके द सिंबल ऑफ केल्विन इज़ यूज वाइडली बिकॉज ऑफ मैनी एडवांटेजेस ओवर द डिग्री सेल्सियस। इन केल्विन स्केल टेम्परेचर आर रिटन इन पॉजिटिव यूजुअली। बच्चों देखो एक्चुअली होता क्या, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊं बच्चों। केल्विन जो होता है वो हमेशा सेल्सियस से 273 ज़्यादा हुआ करता है। ये फार्मूला नोट कर लो, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस से 273 ज़्यादा होता है। ओके केल्विन जो होता है वो सेल्सियस से 273 ज़्यादा होता है। कौन पागल हो गया, तो मचा दी इसने। चलिए चलो भाई, केल्विन जो होता है वो सेल्सियस से बच्चों 273 ज़्यादा हुआ करता है। तो केल्विन स्केल इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, इसका मतलब क्या है बच्चों, केल्विन हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके अगर आप सेल्सियस को जीरो लोगे, जीरो डिग्री सेल्सियस, तो जीरो में 273 जोड़ोगे तो आपका केल्विन कितना आएगा, 273 केल्विन। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आपका जिस समय जीरो डिग्री सेल्सियस जो होगा वो कितने केल्विन के इक्वल होगा, 273 केल्विन। तो आप देख रहे हो कि जो केल्विन स्केल है हमेशा वो 273 कदम यानी 273 कदम आगे चल रहा है। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव स्केल होगा, हमेशा पॉजिटिव स्केल होगा। ओके केल्विन जीरो कब होगा, केल्विन को जीरो होने के लिए आपको यहाँ पे सी की जगह कितना रखना पड़ेगा, -273, तभी तो केल्विन जीरो होगा। क्यों, -273 एंड +273 इक्वल टू कितना, जीरो। तो ये आएगा दैट टाइम जीरो केल्विन। तो ये सबसे कम टेम्परेचर होता है बच्चों, जो माना गया है सबसे कम टेम्परेचर। तो क्या लिखा है, हाँ मतलब थ्योरेटिकल तो अचीव्ड है, प्रैक्टिकल नहीं। द स्केल ऑफ केल्विन इज वाइडली बिकॉज ऑफ मैनी एडवांटेज ओवर डिग्री सेल्सियस। इन केल्विन स्केल टेम्परेचर आर रिटन इन पॉजिटिव यूजली। तो बच्चों याद रखेगा कि केल्विन में टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाए टेम्परेचर केल्विन में क्या होता है, केवल पॉजिटिव। सेल्सियस में नेगेटिव भी जाएगा, आपने सुना होगा ना बर्फ का टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जम जाता है, नेगेटिव में टेम्परेचर चला गया तो वो डिग्री सेंटीग्रेड है। बट केल्विन में कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, केल्विन की मिनिमम वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है। ओके और मैक्सिमम जाती ही जाती है। चलिए ये हो गया अगला, 273 केल्विन इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 273 केल्विन, पानी कितने पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0 प्लस 273 केल्विन, तो ऐड कर दो तो कितना आ गया, 273 केल्विन। तो बच्चों लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 273 केल्विन। 273 केल्विन पे जो पानी होता है वो जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके सो व्हाट इज 273, 273 केल्विन इज द डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलेंगे और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलेंगे।
273 केल्विन पे पानी फ्रीज हो जाता है और आइस पिघलना शुरू हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. ओके नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ पानी उबलता कितने पे है, सब लोग जानते होंगे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है. सब लोग जानते हो कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो. कैसे बदलोगे? 100 प्लस 273 मतलब कितना आ गया? 373. मतलब 373 क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट. सो बच्चों नोट करो, 373 केल्विन इज डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 373 केल्विन इज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो 373 जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर के लिए. वाटर इतने पे क्या करने लगता है? उबलना शुरू कर देता है. बॉइल मतलब उबलना. ओके अब आप लोग जानते हो कि बच्चों क्या बताया मैंने आपको, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ओके देखिए मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि बच्चों की केल्विन स्केल में टेम्परेचर इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल का टेम्परेचर प्लस 273. ये मैंने आपको सिखाया. अगर आप चाहते हो कि केल्विन की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए तो आपको ये सेंटीग्रेड कितना रखना पड़ेगा बच्चों? -273. बिल्कुल सही. तो जिस समय -273 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करोगे उस समय केल्विन किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो. बच्चों जीरो केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. लिख लो बच्चों केल्विन, लिखो जीरो टेम्प, जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. जीरो केल्विन. और जीरो केल्विन में कोई पूछे आपसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड होगा? ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड. जीरो केल्विन में -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या सीखा हमने, हमने ये सीखा कि जो केल्विन स्केल है वो सेल्सियस में 273 ऐड करने पर बनता है. तो अगर सेल्सियस स्केल की वैल्यू अगर आप -273 लेते हैं तो केल्विन निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा जीरो. मतलब केल्विन इक्वल टू जीरो आ गया. कब? जब सेल्सियस स्केल कितना था? -273. तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को या इस पर जो टेम्परेचर आया केल्विन में कितना आया? जीरो केल्विन. इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो. अब इसको एब्सोल्यूट जीरो क्यों बोलते हैं आपको 11th क्लास में पता चलेगा कि इसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्यों बोलते हैं. नेक्स्ट है डिग्री सेल्सियस. अब डिग्री सेल्सियस तो आपने बता दिया कि इसको किससे डिनोट करते हैं. डिग्री सेल्सियस इज रिटन एज डिग्री सेंटीग्रेड एंड रीड एज डिग्री सेल्सियस. जीरो डिग्री सेल्सियस इज हैज़ बीन डिफाइंड फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो आपको सबको पता है कि जो पानी जमता है कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? जीरो पे. तो जो जीरो डिग्री सेल्सियस होता है ये क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. समृद्धि बताओ जीरो डिग्री सेल्सियस पे कितने केल्विन होते हैं? 273. हाँ. और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इस पर पानी उबलता है और 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो कितना आया? 373 केल्विन. तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन. क्लियर? यस. सो वी मे राइट डिग्री सेल्सियस इज डिनोटेड एज जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेड एज डिग्री सेल्सियस. जीरो डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ बीन डिफाइंड फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस कैन बी डिफाइंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. आ गया समझ में? सारी चीज़ें कवर हो गई. अब है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर कोई स्टेट कैसे चेंज करता है. चलो पढ़ो यहाँ पर समृद्धि पढ़िए. मैटर्स can be changed from one state to another state. A solid can be changed into liquid and a liquid can be changed into gas. Most of the metals which are solid turns into liquids on heating and turns into vapor on further heating. हाँ मतलब आपके पास solid है तो solid पहले liquid में बदलेगा और liquid फिर vapor में बदलेगी. But आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको गर्म करना पड़ेगा. मतलब आपको हीट देनी पड़ेगी. नेक्स्ट पढ़ो. द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स टेंपरेचर एंड प्रेशर. हाँ बच्चों देखियो कोई चीज बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो दो चीज पे डिपेंड करती है. एक टेंपरेचर और एक प्रेशर.
दोनों चीज़ से डिसाइड होगा, इन दोनों की वैल्यू से डिसाइड होगा कि कोई चीज़ दूसरी स्टेट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर तो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है, कैसे देखा है सर? बर्फ़ को पिघला दो, बर्फ़ रखी थी, बर्फ़ किस फॉर्म में थी? सॉलिड। बर्फ यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में थी, आपने इसको गर्म किया, सर ये तो पानी बदल गई, सर टेम्परेचर तो दिखाई दिया, प्रेशर का क्या फंडा है? नहीं बेटा, प्रेशर का बहुत बड़ा फंडा है, हम लोग को प्रेशर दिखता नहीं है मगर इसमें प्रेशर का बहुत बड़ा फंडा है। अब क्या है सुनो, यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऊपर से नीचे गैस को दबा के रखता है जिसकी वजह से ये लिक्विड बदलता है। अगर ये लिक्विड, अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता, मतलब इतना प्रेशर ना होता, तो ये लिक्विड नहीं बनता, सीधे क्या बनता है ये गैस, क्या बनता है सीधे ये गैस। समझ में आया बच्चों? बच्चों बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रियांशी yes. हाँ yes. तो मतलब प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल है। चलिए आइए फर्स्ट पढ़ते हैं टेम्परेचर। पढ़ो समृद्धि, टेम्परेचर जनरली, जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज बट ड्यूरिंग स्टेट स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन सेम। हाँ बच्चों अंडरलाइन करिए, ड्यूरिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन सेम, मतलब जब जब कोई भी चीज़, जैसे आइस है, अगर आइस जो है पानी में बदल रही है, लिक्विड पिघल रही है, तो याद रखना टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, आइस का और वाटर का, पिघले हुए वाटर का टेम्परेचर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रूल याद रख लो कि जनरली ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस बट ड्यूरिंग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेंस सेम। अगला पॉइंट पढ़ो, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, हायर मेल्टिंग पॉइंट मींस लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, बॉइलिंग पॉइंट। एग्जैक्टली भाई देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उन पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा टाइट होगा, तो इनको पिघलाने के लिए, ओके मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पे ये मेल्ट हो जाते हैं, ओके द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड, तो इनको लिक्विड बनाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सॉलिड्स को, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है ना। हायर मेल्टिंग पॉइंट मींस लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जितना जोर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम करेगा आपको उतना ज़्यादा इसको गर्मी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, नहीं देनी पड़ेगी, जो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन काम करेगा दोनों एटम्स के बीच में उतना ज़्यादा आपको इसको, ये हमें पता नहीं करना, आपको ये सोचना है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो गर्म ज़्यादा करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा तोड़ने के लिए उसको, बस यही सुनना चाह रहा हूँ कि अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है इसका मतलब जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, हाँ ये अपने पास एक ग्राफ बना हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस, यस ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ये आइस था, यहाँ से आइस चली, आइस थी, यहाँ पे आइस जो है मेल्ट करना शुरू हो गया और यहाँ पे कम्प्लीटली पानी बदल गया, तो मेल्टिंग स्टार्टेड और यहाँ मेल्टिंग कम्प्लीटेड, तो ये जो पॉइंट होगा इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर, तो ये कहलाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई है। देन इसके बाद देखो ये लिक्विड बदल गया है, देन इसके बाद ये इसने फिर से एनर्जी ली और ये टेम्परेचर ज़्यादा वाले लिक्विड बदल गया और लिक्विड से ये और ज़्यादा गैस में बदलना शुरू हो रहा है, तो लिक्विड स्टार्ट बॉइल, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यस। तो लिख लो बच्चों क्वेश्चन, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैस, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट कर देती है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एक ग्राफ बना लीजिए, थोड़ा सा अभी सीखने में इसको वक्त लगेगा, एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे बट आप सीख लेंगे, एक ग्राफ बना लीजिए। तो ये ग्राफ पेपर में भी है? हाँ बना लो। सो कुड यू एक्सप्लेन दिस अगेन ग्राफ? यस बेटा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए जैसे मान लो बेटा आपके पास कोई आइस है,
ये आइस रखी हुई है, आइस को आप गर्म कर रहे हो, ये टाइम है, ये हीट है। आइस को आप गर्म कर रहे हो, आइस जो है वो गर्म होते होते फिर कहाँ पर पहुँच गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस पे पहुँच गई। उसको और गर्म करिए, अब स्टेट कन्वर्ट हो रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री, इसको टेम्परेचर ले लो, सॉरी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है बच्चों और ये नीचे टाइम है। अब देखो अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा मतलब स्टेट बदल रही है, तो यहाँ पर क्या थी, ये सॉलिड, और यहाँ पर क्या बदल जाएगी, लिक्विड, समझ गए ना। ये देखो सॉलिड है यहाँ पे, यहाँ पे लिक्विड, पूरी मेल्ट हो गई। इसके बाद आपने और टाइम लिया और टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, लिक्विड से किस में पहुँच गई, और ज़्यादा इसके वेपर पॉइंट पे पहुँच गई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड पे पहुँच गई। अभी यहाँ पे क्या थी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड, अब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड हो गया, आइस वाटर हो गया। अब इसके बाद और गर्म करोगे तो 100 सेंटीग्रेड की जो लिक्विड है वो बन जाएगी 100 सेंटीग्रेड की स्टीम। तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई है और यहाँ पे बॉयलिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या टाइम बढ़ाते हो तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर कितना माइनस करोगे, 0 से कम तो कर ही नहीं सकते हो, तो ग्राफ नीचे नहीं। कैल्विन में 0 से कम कर नहीं सकते हो, तो ग्राफ नीचे कैसे जाएगा। नीचे टेम्परेचर जो है कैल्विन में 0 होता है, तो इसको ज़्यादा ज़्यादा, अभी सेंटीग्रेड में तो नीचे जा भी सकता है बट कैल्विन में जब आएगा तो ये टेम्परेचर कम से कम इसको छुएगा, एक्स एक्सिस को। चलिए हाँ, नेक्स्ट है ऑन हीटिंग, पढ़ो बेटा फर्स्ट पॉइंट, ऑन हीटिंग। When temperature increases, heat is used to increase the motion of the particles. In other words, heat is used to increase the kinetic energy of the particles. State change. When state changes, heat supplied is used by particles to overcome force of attraction. Latent heat. देखिए, temperature increases. When temperature increases, heat is used to increase the motion of the particle. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट जो होती है उसको मिलने वाली, टेम्परेचर की वजह से मिलने वाली हीट जो होती है पार्टिकल के मोशन को बढ़ा देती है। इन अदर वर्ड्स, हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर से उसको गर्मी लगेगी, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेगा, तो हम कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। दूसरा, स्टेट चेंज। व्हेन स्टेट चेंजेस, हीट सप्लाइड इज यूज्ड, हीट सप्लाइड इज यूज बाई पार्टिकल टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अगर आप जो हीट देते हैं तो वो दी गई हीट का इस्तेमाल कहाँ होता है, उस दी गई हीट का इस्तेमाल अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके पार्टिकल्स के दूर जाने के लिए होता है, जिससे कि यूज बाई पार्टिकल्स टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जैसे मान लो दो एटम थे, ये इतना जुड़े हुए थे, बट जैसे आपने हीट दे दी तो ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा और ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है लेटेंट हीट, एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जिसका इस्तेमाल जो होता है कब होता है, सप्लाइड बाय ए सब्सटेंस। लेटेंट हीट इज द हीट सप्लाइड बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट चेंज के समय जो हीट दी जाती है, ओके, किसी सब्सटेंस को या ली जाती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज ए हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये देखिए जो आप ग्राफ था, यहाँ पर ये आइस जो है पिघल रही थी मगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, टेम्परेचर फिक्स का फिक्स है। तो ऐसी हीट जिसको सप्लाई करते समय आप टेम्परेचर ना बढ़े, ओके, ऐसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहला पढ़ लिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड
इन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड एट सेम टेम्परेचर. बच्चों लिखो कॉपी में, पहले लिखो कॉपी में व्हाट इज लेटेंट हीट. लिखे कॉपी में व्हाट इज लेटेंट हीट. लिखिए लेटेंट हीट इज द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस. लेटेंट हीट इज द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट. ठीक है, अगला लिखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन मतलब पिघलना. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू अ लिक्विड एट सेम टेम्परेचर. 1 किलोग्राम सॉलिड को, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जिस हीट की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. 1 किलोग्राम सॉलिड को पिघलाने के लिए. नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू अ गैस एट सेम टेम्परेचर. डिफरेंट लिक्विड है डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये देखिए ग्राफ में, यहाँ पर क्या था, लिक्विड था, यहाँ पर ये लिक्विड था, और गर्म करने के बाद यहाँ पर क्या बन चुका है, वेपर. तो यहाँ पर ये लिक्विड था प्योर और यहाँ पर क्या बन चुका है, वेपर. तो ये जो हीट दे रहे हो बीच में आप हीट, इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग, 1 किलोग्राम लिक्विड को, ठीक है ना, 1 किलोग्राम लिक्विड को लेटेंट हीट इज द वेपराइजेशन ऑफ द इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू गैस एट सेम टेम्परेचर. कंप्लीट 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस बदलने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. लिखा हुआ है डिफरेंट लिक्विड हैज डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अलग अलग लिक्विड की अलग अलग लेटेंट हीट हुआ करती है. नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा ये जो दो चीज़ें थी ना, ये थोड़ा सा आपको बोर करी होंगी बिकॉज ये आपने पहले कभी पढ़ी नहीं है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगे होंगे, ठीक ना. इनको रीड करिएगा, नहीं समझ में आएंगे तो 2-4 बार मुझसे पूछिएगा, इसलिए आपको ये ख़राब लगा होगा. अब पढ़ते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होती है, देखो क्या करो, कपूर को थाली पे रख दो और गर्म कर दो, नीचे आग लगा दो. आप देखो थोड़ी देर के बाद कपूर गायब हो जाएगा बिना आग, मतलब आग नीचे लगे वेपर बन जाएगा. यस, तो किसी सॉलिड का डायरेक्टली वेपर बन जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन. मतलब सॉलिड बिना लिक्विड में गए डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इस बात को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन. ठीक है ना, पढ़ो पढ़ो बेटा सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस और वाइस वर्सा. Generally, solid first changes into liquid and then changes into gas because of rise in temperature. But these are there are many substances which changes into gas without changing the into liquid, and many other substances which change into solid from each without from gas without changing into liquid. Such substances which go under sublimation as known as sublime. सो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इन टू द गैस और वाइस वर्सा. जनरली सॉलिड फर्स्ट चेंजेस इन टू द लिक्विड एंड देन चेंजेस इन टू द गैस बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर. बट देर आर मैनी सब्सटेंसेस विच चेंज इन टू द गैस विदाउट चेंज इन टू द लिक्विड एंड मैनी अदर विच चेंज टू द इन टू सॉलिड फ्रॉम गैस विदाउट चेंजिंग टू द लिक्विड. सच सब्सटेंसेस विच गो अंडर सब्लिमेशन आर कॉल्ड नॉन सब्लाइम. फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, नेप्थ्रीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एंड ड्राई आइस. सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एक्सप्लेन बिलो. अब हमें अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन यहाँ पे दिया गया है. अमोनियम क्लोराइड का
सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड मतलब ये देखा NH4Cl, कपूर कैम्फर, उसका सब्लिमेशन हमको यहाँ पे दिया गया, क्लियर, कपूर का। चलो पढ़िए बेटा, टेक सम क्रश्ड, टेक सम क्रश्ड अमोनियम क्लोराइड सॉलिड इन अ चाइना डिश, देयर इज ए इन्वर्टेड फनल ओवर अ चाइना डिश। तो चाइना डिश में आप थोड़ा सा कपूर रख लो और इसके ऊपर एक उल्टा फनल लगा दो, उल्टा क्या, चीनी मिट्टी की कटोरी है ना, उल्टा फनल लगा दो। देयर इज ए कॉटन प्लग, इसके ऊपर यहाँ पे एक कॉटन प्लग कर दो, मतलब रुई भर के कर दो है ना, और हीट द क्रश्ड अमोनियम, वी फाइंड आउट अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द वेपर्स। अब देखिए अगर आप इसको गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या बन जाएगा, वेपर में बन जाएगा, वे डायरेक्टली वेपर बन जाएगा, ओके। और हीट द क्रश्ड अमोनियम क्लोराइड, वी फाउंड दैट अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द वेपर, आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड अगेन सॉलिडिफाइड बाय द सरफेस ऑफ फनल। बिल्कुल सही, ठीक ना, आफ्टर सम टाइम वी सी दैट वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड अगेन सॉलिडिफाइड एट द सरफेस ऑफ फनल। तो देखो जब आप इसको गर्म करोगे तो इसकी जो भाप उठेगी, ये जो ब्लैक ब्लैक रीजन देख रहे ना, यहाँ पर इसकी ब्लैक भाप जो है जम जाएगी और वापस आपका क्या बन जाएगा, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। हाँ, पर ये वेपर डिफ्यूज हो जाता है इनकी गैस में, मतलब इनकी स्मेल आने लगती है। ऐसा नहीं है, चलिए ये डायग्राम बना लीजिएगा, किसकी क्या बन गया, क्या था, वेपर डिफ्यूज हो जाता है गैस में, भाई वेपर बन चुकी है, अब ऊपर कॉटन लगा तो वेपर कहाँ से चली जाएगी, ये तो सॉलिड फॉर्म बन गया ना। हाँ, तो उस समय ये नहीं, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, उस समय आप खुले में रख दोगे, तो खुले में रख दोगे तो डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि तो गैस बन जाता है ना। बच्चों समझ में आया सभी को, हेलो क्लियर हुआ, यस सर, ओके। चलिए अब एक काम कीजिए, इतना लिखिए जल्दी से, देखिए प्रेशर 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 का प्रेशर प्रेशर तो सब लोग जानते हो ना, प्रेशर में क्या होता है, जैसे मान लो ये सॉलिड है, ये आपने सॉलिड रख लिया और यहाँ पर क्या भरी हुई है, हवा, हवा भरी हुई है। अब यहाँ पर क्या करो, आप एक पिस्टन लगाओ और पिस्टन लगा के दबाओगे तो क्या होगी, ये जो हवा के मॉलिक्यूल हैं ये पास पास में आ जाएंगे, तो हवा के मॉलिक्यूल पास पास में आने से क्या इस सॉलिड को कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, इस सॉलिड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पढ़ो बेटा सॉलिड, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एज देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स विच कुड अलाउ देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। सॉलिड के पार्टिकल में कोई स्पेसिंग नहीं होती है, इसलिए आप प्रेशर, देखो सॉरी मैंने तो स्पेसिंग बना दी, ये मान लीजिए ऐसे होते हैं सॉलिड के पार्टिकल इस तरीके से, तो अगर आप दबाओगे भी तो ये पार्टिकल बेचारे कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते ना, तो इसलिए सॉलिड में प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट पढ़ो, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज ऑन अ सॉलिड इट इज फॉर्मड एज फाइनल ब्रोकन। हाँ, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ सॉलिड, When the pressure is increased on a solid, it is deformed and finally broken. अगर आप solid पर pressure बढ़ाते हो तो क्या होता है कि ये increase, इस ये जो होता है deformed होता है, मतलब कि shape से अपने dish shape, मतलब गलत shape में बदल जाएगा, और ज़्यादा अगर आप pressure बढ़ाओगे तो ये finally break हो जाएगा, है ना, ये तो मतलब solid जो होते हैं break हो जाएंगे finally. चलिए अब बात करते हैं liquid पे, तो liquid पे अगर pressure बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए पढ़ो समृद्धि, there is no effect. Liquids are non-compressible. Liquids cannot be compressed since there is no not enough space between the particles to get compressed. Exactly. तो liquid में भी pressure का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो liquid होते हैं उसके भी particle ज़्यादा दूर दूर नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते, पास ही होते हैं, तो liquid बहुत ही pressure का बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है, मतलब आप pressure लगाते हैं तो liquid बहुत ही कम पुचकता है, मतलब compress होता है ना, तो इसके पार्टिकल के बीच में ज़्यादा इतना गैप नहीं होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकें, देयर इज़ नॉट एनफ गैप स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल सो दैट दे मे बी कंप्रेस। नाउ थर्ड इज गैस, तो गैस पढ़िए, since there is lot of space between the particles of gas, gas is highly compressible. Exactly. तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होती क्यों, क्योंकि ये गैस के पार्टिकल्स हैं,
अब गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो अगर आप यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं और इसको पिस्टन को दबाते हैं ऊपर से, तो जैसे वो गैस में हवा भरने वाला पंप होता है ना, तो उसको आप दबाते हो तो वो नीचे तक आ जाता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में गैप होता है, तो आप उस गैप को प्रेशर करके उस गैप को कम कर सकते हो, तो वो गैस के पार्टिकल्स पास पास में आ सकते हैं, है ना। तो आप इतना कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर आप इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसके पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है वो कम हो जाएगी। चलिए अगला टॉपिक है बच्चों इवेपोरेशन। अगला टॉपिक आ रहा है इवेपोरेशन। क्वेश्चन डालिए व्हाट इज़ इवेपोरेशन। तो आपको पता होगा कि अभी आप जैसे बारिश में भीग जाते हैं और भीगने के बाद धूप निकल आए तो आपके भीगे हुए कपड़े वापस सूख जाते हैं। मतलब क्या, जो पानी था आपके यहाँ पे कपड़ों में पार्टिकल का, वो पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, है ना, भाप बन के उड़ गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो क्या होता है प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस ड्यू टू द एस्केपिंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड सरफेस इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी उबलता कब है। देखो बॉइलिंग पॉइंट पर तो पानी उबलता है, मगर बाकी सारे टेम्परेचर पर पानी एवेपोरेट होता है। तो याद रखिएगा कि एवेपोरेशन होने के लिए पानी का उबलना ज़रूरी नहीं है, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। मतलब अभी भी हमारी बॉडी से एवेपोरेशन हो रहा होता है, अभी भी हमारी बॉडी से एवेपोरेशन हो रहा है, मगर बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। अभी भी हमारी बॉडी से पानी सूख रहा है। हाँ, तो बॉइलिंग पे ज़्यादा हाईली होता है। हाँ, बॉइलिंग हाई टेम्परेचर पे होती है। आप ये बोलना चाह रही हैं कि सर जो बॉइलिंग होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, मगर एवेपोरेशन कम और ज़्यादा हर प्रकार के टेम्परेचर पे हुआ करता है। समझ में आ गया ना, बोलो क्लियर हुआ। पढ़ो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन तेज होने लगेगा। मतलब अगर आप गर्मी बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन तेजी से होने लग जाएगा। समझ गया ना, जैसे गर्मी में ज़्यादा गला सूखता है क्योंकि पानी इवेपोरेट ज़्यादा होता है। प्रियांशी क्लियर? यस सर। चलिए और वो है प्रगति, है प्रगति, आर यू देयर प्रगति? ओके एंड लक्ष्मी क्लास में हो? ओके चलिए अगला पढ़ते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। पढ़ो लक्ष्मी फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड सरफेस एरिया, थर्ड ह्यूमिडिटी, फोर्थ विंड। हाँ, तो चार चीजें जो हैं इवेपोरेशन को इफेक्ट करती हैं, एक है टेम्परेचर, एक है सरफेस एरिया, एक है ह्यूमिडिटी और एक है विंड। मतलब अब देखो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। पढ़ो बेटा टेम्परेचर। यस सर। टेम्परेचर, इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। दिस मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सेकेंड, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ liquid at surface get required kinetic energy to overcome the force of attraction and escape in air quickly. Hence the increase in temperature increases the rate of evaporation. हाँ, तो ये क्या कह रहा है देखिए कि अगर आप किसी भी पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लो ये कपड़े के ऊपर कोई पार्टिकल बैठे हुए हैं और अगर जैसे ये लिक्विड के ड्रॉप्स बैठे हुए हैं, अगर इनको टेम्परेचर मिल गया तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये आराम से क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, सरफेस को छेड़ करके ये एवेपोरेट भाप बन के जल्दी से उड़ जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना रेडियली भाप बनेंगे और जल्दी से उड़ेंगे भाप बन के। तो इसलिए अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जितना जोर का टेम्परेचर होगा भाप उतनी तेज़ी से बनेगी, एवेपोरेशन उतनी ही तेज़ी से होगा। सेकेंड, सरफेस एरिया। आपने देखा होगा आप कपड़े सुखाने के लिए कपड़े को कैसे डालते हैं, कपड़े को खोल करके डालते हैं या कपड़े को गुड़ी गुड़ी बना के एक जगह टांग देते हैं, बताओ? कपड़े को खोल के डालते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़े को पूरा खोल के डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एवेपोरेशन हर जगह से होगा। ओके, तो एवेपोरेशन के हर जगह से होने देने के लिए हम क्या करते हैं कि हम
हर जगह कपड़े को ओपन कर देते हैं, इधर से पूरा स्प्रेड करके उसको डालते हैं। ओके क्लियर हुआ, बोलो यस। पर घोड़ी में भी हो जाता है वेपोरेशन। होता है बट कम होएगा। हाँ वही तो मैंने यहाँ पे फैक्टर पढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ बच्चों। यस सर। ओके पढ़ो बेटा, तो ये सेकंड पॉइंट पढ़ो, सरफेस एरिया इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सेकंड आफ्टर रेन रूट्स आर ड्राइड अप क्विकली देन पॉट होल्स। This happens because of increase in surface area of water on roads. Water is spread over a large area. Because of that, large area of water exposed to atmosphere and evaporation of water takes place quickly, resulting in quickly drying of the roads. Third, while in potholes, less water surface is exposed to air, because of that less water area could come in contact with air and receives less temperature, resulting in delayed evaporation. While in potholes less water surface, मगर जो जो वो होता है मतलब कि जो गड्ढे होते हैं, पॉट होल्स बोल रहे हैं, जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भरा रहता है, तो पानी भरे होने से जो एटमोसफियर के टच में कम एरिया आता है, तो कम एरिया होने की वजह से इसका एवेपोरेशन कम होता है। मगर जो फ्लैट रोड होती हैं, रोड में जो पानी स्प्रेड रहता है वो पूरे एरिया में रहता है, तो एरिया ज़्यादा रहता है तो एवेपोरेशन फास्ट होता है, इस वजह से रोड जल्दी सी सूख जाती है, मगर जो गड्ढे में पानी भरा रहता है वो काफ़ी देर में सूखता है। ठीक है ना, चलिए पढ़िए। वेट क्लॉथ्स आर स्प्रेड अप ओवर द लॉन्ड्री लाइन टू गेट देम ड्राइड अप क्विकली। More surface area of water exposes to the air because of spreading of cloths. This speeds up the rate of evaporation and cloths are dried up quickly. हाँ तो यही बोला गया कि cloths को हम लोग जो होते हैं फैला देते हैं जिससे कि जल्दी वो सूख जाएं। हाँ, On the other hand, if wet cloths are left even in the sun without shading, they take more time to get dried because of less surface area exposed to air. हाँ, यही जो बात समृद्धि ने पूछी कि सर वो जो यदि हम उनको हम गोल गोल बना करके यदि उनको हम रख दें सन के सामने, हाँ तो सूखेंगे मगर टाइम ज़्यादा लेंगे क्योंकि उनका एरिया कम रहेगा। समझ गए ना, एरिया कम एक्सपोज रहेगा। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। एरिया अगर ज़्यादा है तो कम टाइम लेगा, और अगर एरिया कम है मतलब कम एक्सपोजर है तो ज़्यादा टाइम लगेगा एवेपोरेशन में, कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ गए, नहीं है समझ में? स्प्रेड करके टांगोगे तो कम टाइम लगेगा, गुड़ी बना के टांग दोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं बच्चों, ह्यूमिडिटी। ओके बेटा वो बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। ह्यूमिडिटी बस बस और एक और बस, हाँ हो गया छोड़ दो। ओके ह्यूमिडिटी देखिए, पढ़ो बेटा। ह्यूमिडिटी एवेपोरेशन। यस सर। Evaporation decreases with increase in humidity and increases with decrease in humidity present in air. This means rate of evaporation is directly proportional to the humidity present in air. Because of more water vapors present in air, the water holding capacity of atmosphere decreases, which decreases the rate of evaporation. If air is dry, then it can hold more water. Thus, in dry air, rate of evaporation increases. Exactly. तो देखिए अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। अभी देखिए बारिश के टाइम में जो एयर होती है वो ज़्यादा ह्यूमिड होती है, मतलब एयर ज़्यादा ह्यूमिड होती है मतलब ऑलरेडी एयर के बीच में वाटर के पार्टिकल फंसे हुए होते हैं। अगर गर्मी के समय में अगर बात करोगे एयर की, तो गर्मी के समय में एयर के बीच में वाटर का पार्टिकल फंसा नहीं होता है, तो ईजिली गर्मी के टाइम में ड्राई एयर में कपड़ा जल्दी सूखता है, मगर बारिश के टाइम में जो एयर होती है वो ह्यूमिड होती है, इस वजह से बारिश के समय में एवेपोरेशन की जो रेट होती है वो स्लो हो जाती है और कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, मगर गर्मी के समय में जो ड्राई एयर होती है वो वाटर पार्टिकल को ज़्यादा होल्ड करती है, सो दस इन द ड्राई एयर रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस। बोलो समझ में आया? हाँ लास्ट पॉइंट पढ़ो बेटा। व्हेन वी स्वेट
When we sweat, it evaporates due to large surface area. In coastal region, due to high humidity, evaporation is slow, so sweat evaporates slowly. This gives a feeling that we are sweating heavily. हाँ, मतलब जो लोग कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे रखते हैं रहते हैं उन लोग को लगता है कि उनको बहुत पसीना निकल रहा है, बट ऐसा नहीं है, बहुत पसीना नहीं निकलता है. एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि कोस्टल रीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पानी ऑलरेडी एयर में भरा हुआ होता है, मतलब वाटर के पार्टिकल ऑलरेडी कंटेन्ड हुआ करते हैं कोस्टल रीजन में. तो जो जो एयर होती है ना वो और ज़्यादा पानी को ले पाने की उसमें नहीं होती है, मतलब एयर की कैपेबिलिटी नहीं होती कि और ज़्यादा वाटर पार्टिकल ले ले, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वाटर पार्टिकल हुआ करते हैं. तो वाटर पार्टिकल होते हैं तो वहाँ के लोगों को क्या लगता है कि यार हमारा पसीना बहुत निकल रहा है, जबकि होता क्या है कि उनका जो एवेपरेशन होता है स्लो होने लगता है क्योंकि हवा जो होती है इतनी ऑलरेडी मॉइस्ट होती है कि वो और ज़्यादा उनके वाटर पार्टिकल को सोखती नहीं है. अब पढ़ते हैं विंड. देखो भाई हवा तो आप, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितनी जोर की हवा चलेगी पसीना उतना बढ़िया सूखेगा, एवेपरेशन उतना तेज़ी से होगा. पढ़ो बेटा लक्ष्मी. विंड एवेपरेशन इंक्रीजेस. विंड एवेपरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन विंड स्पीड एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन विंड स्पीड. दिस मीन्स रेट ऑफ एवेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड. सेकेंड, स्पीडी विंड प्रोपेल्ड अवे सम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर विद इट व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ इवेपोरेशन. हाँ, तो क्या कह रहा है कि जैसे मान लो लोग क्या करते हैं बरसात में, जब मान लो बारिश के टाइम में जब कपड़े नहीं सूखते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो कूलर चलाते हैं या फैन चलाते हैं रात को, और जब बहुत ही जरूरी रहता है तो वो कुर्सी में कपड़े वकड़े टांग करके लगा देते हैं कपड़े, और वो कपड़े फिर हवा में सूखते हैं. तो होता क्या है कि एक्चुअली एवेपोरेशन बारिश के समय में स्लो हो रहा होता है, बट जैसे ही एवेपोरेट होकर के ये पार्टिकल निकलेगा वाटर का, ये हवा जो होगी ना इसको ब्लो करके दूर कर देगी, अगला पार्टिकल निकलेगा उसको ब्लो करके दूर कर देगी. तो यही लिखा है कि स्पीडी विंड प्रोपेल्ड अवे सम ऑफ द पार्टिकल ऑफ वाटर, मतलब जो तेज वाली विंड होती है वो वाटर पार्टिकल को क्या कर देती है, दूर फेंक देती है, प्रोपेल्ड अवे कर देती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है. ये बात यहाँ पे कही जा रही है. ओके, अब है भैया कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपरेशन, कि एवेपरेशन का कूलिंग इफेक्ट क्या होता है. ठीक ना, कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपरेशन. चलो इसको फिनिश करें फिर आगे क्लास लेंगे. जो कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपरेशन, पढ़ो बेटा. लिक्विड नीड्स. यस, लिक्विड नीड्स लेटेंट हीट ऑफ एवेपरेशन. इट टेक्स दिस हीट फ्रॉम थिंग्स इन इट्स सराउंडिंग्स. It means things in surrounding lose heat and thus they cool down. Yes, exactly. अब देखो कूलिंग का मतलब क्या होता है. आप जब पसीना निकलता है आपको तो आप क्या करते हैं, देखिए आप पंखे के नीचे जाके बैठते हैं, खूब जोरदार पसीना निकल रहा है और आप पंखा चला लें बहुत तेज, या कूलर के सामने बैठते हैं, आपको उतना मजा आता है, आपको जबरदस्त कूलिंग होती है. क्यों? क्योंकि जो जिस समय गर्मी पड़ा करती है और आपकी स्वेटिंग हो रही होती है तो वो पार्टिकल जो पानी का होता है वो आपकी सरफेस पे आ जाता है, वो सरफेस पे आ जाता है, और आप क्या करते हैं इसको जैसे ही सरफेस पे आता है योर इवेपोरेट होगा, आप हवा के नीचे जाएंगे या किसी ठंडी जगह पे जाएंगे तो ये पानी के पार्टिकल जो हैं ले करके क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और ये जितना ज़ोर से एवेपोरेट होंगे आपको उतनी कूलिंग आएगी. तो इसलिए जितना ज़ोरदार पसीना आपको आता है आपको कूलिंग की फीलिंग भी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है. आप जितना जोर का पसीना आता है, स्कूल के दिनों को याद कीजिए, आप गर्मी से स्कूल से थके हारे आते तो घर में सीधे आके आप पंखे के नीचे बैठ जाते तो बड़ा रिलैक्स फील होता था, है ना. हाँ, स्कूल में भी लंच के बाद थक हार करके बिल्कुल पसीने से छपे हुए जब लंच के बाद जाते थे खेल करके तो लगता था पंखे के नीचे बैठे रहो 10-15 मिनट. हाँ, उसके नीचे हर कोई बैठने की कोशिश करते रहें, बिल्कुल एक ही पंखा होता हर क्लास में, ठीक है ना, तो जो तेज चलता अच्छा सा. तो यही कोशिश करते हैं. तो स्वेटिंग जो होता, एवेपोरेशन जो होता है ना, एवेपोरेशन किसको साथ में लाता है, कूलिंग को लाता है. अगली बात है स्वेटिंग. स्वेटिंग मतलब पसीना आना. चलिए ठीक है बच्चों, अब यहीं तक आज तक करेंगे और कल इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे. अभी आपका होमवर्क है, जहाँ तक मैंने कराया अभी आप इसको पूरा लिख करके अभी